भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कुसमोरिया बोले, भाजपा की तानाशाही नीतियां एवं गुटबाजी के खिलाफ संदेश देने चुनाव लड़ा, निर्दलियों के समर्थन से ही बनेगी सरकार। भाजपा से बगावत कर दमोह एवं पथरिया विधानसभा सीटों के निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले दिग्गज नेता डॉक्टर रामकृष्ण कुसमोरिया ने एग्जिट पोल के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार किसी की भी बने निर्दलीय प्रत्याशियों के सहयोग से ही बनेगी और भगवान की कृपा से हमारा मकसद पूरा होगा। कुसमोरिया ने यह भी कहा कि भाजपा संगठन एवं पार्टी को सीख देने, इनकी तानाशाही नीतियों गुटबाजी के खिलाफ संदेश देने के लिए भी निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। उन्होंने मंत्री जयंत मलैया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मलैया का पार्टी में एकाधिकार हो गया है, उनके खिलाफ संदेश देने के लिए वे चुनाव में लड़े हैं। बता दें कि कुसमोरिया हटा से पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं गायत्री परिवार के अपने गुरु बाबू जगमोहन श्रीवास्तव की सेहत का हाल जानने एवं उनसे आशीर्वाद लेने हटा आए थे। उस समय में बहुत परिवर्तन, असल में कल रात से ज्यादा इनको बेचैनी सी हुई, हमने सुबह सोचा अच्छे भले आदमी तो नहीं, और जिंदगी हमारी यहाँ लेटे रहे 7 बजे तक शाम को, सदा आशीर्वाद। अरे दो भैया हमारे राजनीतिक गुरु हैं और गायत्री परिवार में शामिल उन्होंने कराओ, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी जब इतने पधारे थे गौरी शंकर मंदिर में 71 में, तब हमने इनके संरक्षण में उनसे दीक्षा ली और फिर उनके अनुसार जीवन चलो और आज तक चल रही है राजनीतिक। जी बाबा जी, आप 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटों से लेके जीत को लेके कितना आप दावा? देखो जो चुनाव हम लड़ रहे हैं वो एक तो हम पार्टी के संदेश दे भी लड़ रहे हैं, पार्टी में जो तानाशाही प्रवृत्ति और एक प्रकार से गुट बना करके उनने बाकी लोगों की अवहेलना और उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया, तो वो संदेश देने की ज़रूरत थी। और चूंकि दमोह में जो नेता हैं मलैया जी, उनका एक पार्टी में ऐसा एकाधिकार हो गया था कि उल्टा सीधा कुछ भी करें उनका चलता था, ये संदेश भी देना था। वो पार्टी जरा मुगालते में आ गई थी, जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं थी, वो भी बताना जरूरी था, इसलिए हम 2 जगह से चुनाव लड़े। ओपिनियन पोल को लेकर आप कहाँ तक अस्वस्थ? अब भगवान की कृपा है, हमारा मकसद है वो पूरा हुई है। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? सरकार किसकी बनने वाली है? देखो निर्दलीयों के आधार पर सरकार बनने वाली है, चाहे जिसकी बन जाए।